हेलो फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम में हमारे बाद एक दिन बाद हमारी एग्ज़ाम है 18 सितंबर को। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बहुत ही क्रूशियल फेज है ये हमारे लिए, और बहुत से लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने सोचा क्विकली एक वीडियो बना दी जाए। और मेरे एक फ्रेंड की एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर एग्ज़ाम में हमें क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों को लाना ले जाना है, उसके रिगार्डिंग कुछ बतला दीजिएगा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये भी सही समय है बतलाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा क्लैरिफिकेशन जो NTA ने दिया हुआ है रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ टेस्ट सेंटर्स फॉर ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2021 जो 18 सितंबर को होने वाली है। इसमें ड्यू टू लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, इसकी वजह से उसने एग्ज़ाम सेंटर्स जो अलॉट में डिस्टर्बेंस हुआ उसका रीज़न मेनली यही है, खासकर महाराष्ट्र के लिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया भी है। कि और किस नियम के तहत उन्होंने बताया, तो AIAPGET 2021 में पेज नंबर 9 के क्लॉज 8.1 को अगर पढ़ेंगे तो वो उस पावर के तहत उन्होंने अपना ये डिसीजन लिया हुआ है। तो इसमें किसी को भी ज़्यादा परेशान होने की या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम एग्ज़ाम सेंटर के लिए बिल्कुल फाइट नहीं कर रहे थे। हमारी फ़ाइट है कि हमारा सिलेक्शन AIAPGET के थ्रू अच्छे कॉलेज में लेना है हमें, तो हमें बस एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है एनी हाउ। ठीक है, तो ये था उनका एक क्लेरिफिकेशन क्यों सेंटर्स बहुत सारे बदले गए हैं। जो आपने चॉइस फिलिंग नहीं की थी वो भी आपको सेंटर मिला, यही रीज़न है। अब चलिए मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक नॉलेज दे देता हूँ। तो एडमिट कार्ड बेसिकली 3 पेज का है, चलिए मैं आपको डिटेल बताता जाता हूँ। सबसे पहले इसमें पहले पेज में तो आपका एडमिट कार्ड है जो आपका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें बार कोड भी लिखा हुआ है, और उसके अलावा उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर है। सेकंड पेज में एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसमें बेसिकली यही है कि आप कोविड पेशेंट नहीं हैं ऐसा कुछ, या फिर आपको कोई सिम्टम नहीं है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो वही सब आपको सेलेक्ट करना है। स्पेशली इसमें डी वाला क्लॉज एक लिखा हुआ है, डी में ट्रेवल्ड द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज इन द लास्ट 14 डेज प्रियर टू अराइविंग एट द सेंटर। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके सेंटर्स थोड़े दूर हैं, तो आप अपना चॉइस फिलिंग इसमें आप कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने ट्रेवल किया, अपने से आप इसमें लिख दीजिएगा सेंटर्स को। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग ये वाला पोर्शन है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, 3 कॉलम बने हुए हैं, एक कैंडिडेट्स फोटो, सेकेंड वन इज कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड इसका ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड, थर्ड वन इज कैंडिडेट सिग्नेचर। तो कैंडिडेट का फोटो जो है वो जो आपने एडमिट कार्ड मतलब फॉर्म भरते समय आपने फिल किया था आपके एडमिट कार्ड में जो है वही फ़ोटो को आपको लगाना है। ठीक है, वो भी एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के पहले बिफोर रीचिंग द सेंटर इसका ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड ध्यान रखिएगा, ओके, टू बी फिक्स्ड बिफोर रीचिंग, मतलब इसको भी सेंटर पहुंचने के पहले ही आप ये दोनों काम कर सकते हैं, मतलब थंब इम्प्रेशन अपना लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड ध्यान रखिएगा, और अपनी जो फ़ोटो आपने पहले फॉर्म फिलअप करते समय यूज़ की थी वही फ़ोटो आपको यहाँ पर फिक्स करनी है। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, इसको आपको साइन करना है इन्विजिलेटर के सामने, मतलब कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठ जाएंगे उस समय इसको साइन करना है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 चीज़ें आपको घर से करके ले जानी है, अंगूठा का निशान और फोटो चिपकाना है, दूसरा साइन आपको करना है, वो आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में करेंगे। ओके, वन थिंग इज दिस। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट करके इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस बतलाए हैं, तो मैं आपको लोगों के लिए क्विकली इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बतला दे रहा हूँ। ये सब तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुँच जाना हमें बेहतर रहेगा, है ना। उसके अलावा हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम सर दूसरे सेंटर में पहुँच गए थे धोखे से, क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिख दिया है पॉइंट नंबर 8 में कि वेरीफाई द लोकेशन 1 डे प्रियर टू द मेन एग्ज़ाम। ठीक है ना, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग जो बहुत दूर से जा रहे होंगे, जिनका कहना था कि हमारी सेंटर कितनी दूर हुआ है, हमें दूसरे सिटी से मिल गया हमें पता भी नहीं है, तो इसीलिए आप एक दिन पहले ही थोड़ा सा इसको पता कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा सही समय पर पहुंचने के लिए। उसके बाद क्लियरली, क्योंकि इन्होंने 10th पॉइंट में लिख दिया है कि टाइम के बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है, मोस्टली वो परमिट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद इफ़ रिलीजन, 9th पॉइंट भी एक स्पेसिफिक है थोड़ा सा, कि इफ़ रिलीजन या कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो, अंगूठी कड़ा चेन माला ऐसा अगर
स्पेसिफिक ज़रूरी ही हो जाए तो आप पहले ही सेंटर में पहुँचे ताकि प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। और मेरा तो ये सजेशन होगा आपके लिए कि ये सब चीज़ें आप उतार कर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, उसके बाद इम्पॉर्टेंट आइटम्स टू बी कैरी, यही आपको वहाँ एग्जाम सेंटर में ले जाने ही देखिए। सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक आप सैनिटाइजर की बॉटल ले जा सकते हैं, वो उसमें स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सॉरी, पहले पॉइंट में वाटर बॉटल लिखा है, वो भी ट्रांसपेरेंट। ध्यान रखिएगा वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली, कलरफुल वाली मत लीजिएगा, उसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट, जो डेटॉल की इतनी बड़ी बॉटल आती है आप चाहें तो उसको ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन ले जाना है जिसमें जो ट्रांसपेरेंट ही हो, लिंक की आती है और रेनॉल्ड की आती है, बहुत सारी मॉन्टेक्स की आती है, ऐसी ट्रांसपेरेंट वाली ले जाइएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड ले जानी है आपको, उसमें वही सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी हमने ऊपर पेज में देखा था अंडरटेकिंग आपको कि कोरोना नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है ये वाले। ठीक, उसके बाद एडिशनल पासपोर्ट, एडिशनल मतलब कि एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ले जानी है जो अटेंडेंस शीट में आपको लगानी है। मतलब कि इसमें तो आप घर से लगाकर एक फ़ोटो ले जाएंगे, उसके साथ ही आपको एक और फ़ोटो ले जानी है अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, एक फ़ोटो आपको ले जानी है साथ में। फिर ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, ओरिजिनल ले जाना है, इसका ध्यान रखिएगा, कोई भी फ़ोटो कॉपी, कोई भी अटेस्टेड कॉपी नहीं चलेगी। ओरिजिनल आईडी में क्या है वो अभी नीचे लिखा हुआ मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा आप मास्क ले जा सकते हैं, अपने ग्लव्स ले जा सकते हैं, मास्क ले जा सकते हैं और ग्लव्स ले जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक पॉइंट पे ये भी लिखा हुआ है कि जो हर एग्ज़ाम सेंटर में आपको 3 लेयर मास्क स्पेसिफिकली मिलेंगे, और ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इनका कहना है कि बेहतर यही होगा कि आप उनके दिए हुए मास्क को ही यूटिलाइज़ करें, तो बेटर होगा आप लोग अपना जो भी मास्क ले जा रहे हैं वो ठीक ठाक मास्क हो जिसको आप यूज एंड थ्रो वाला काम कर सकें, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें अपनी ओर से प्रिपेयर रहना है। फिर पॉइंट नंबर 13 एक स्पेसिफिक है कि एनी वन ऑफ द ओरिजिनल क्या क्या चलेगा, तो पैन कार्ड आपका चल सकता है, ध्यान से सुन लीजिए हमेशा काम आएगा, पैन कार्ड चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा आपका, इसके अलावा वोटर आईडी आपकी चलेगी, पासपोर्ट चलेगी आपकी, आधार कार्ड चलेगा जिसमें फ़ोटो होगी, या फिर ई आधार जो तुरंत ही निकलवाते हैं हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र से, वो वाली ई आधार कार्ड भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राशन कार्ड भी चल जाएगी, आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर विथ फ़ोटो ये भी चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आइटम आईडी प्रूफ के लिए नहीं चलेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, केवल ये जो मेंशन है ये ही आईडी प्रूफ है आपके। उसके अलावा पॉइंट नंबर 15 में एक लिखा हुआ है कि नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी प्रकार की घड़ी, अंगूठी, चैन, की रिंग, या फिर आप अगर कार में जा रहे तो कार की, बाइक है तो बाइक की, कुछ भी मतलब अंदर ले जाना अलाउ नहीं होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। 16th पॉइंट में लिखा हुआ है हमारे कपड़ों के लिए कि जो हम जूते या चप्पल पहनेंगे मोटे सोल वाली नहीं होनी चाहिए, तो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए कि या तो सैंडल पहने या तो स्लीपर पहने। उसके अलावा बड़े बटन वाले तो बेस्ट है कि आप टी शर्ट्स पहन लें, सबसे अच्छी चीज़ है टी शर्ट रहेगा, वो सबसे बेस्ट है। ठीक, तो मेरा सजेशन तो ये होगा आप लोअर टी शर्ट में एग्जाम देने चले जाएँ, सबसे बेस्ट है। उसके बाद 17th नंबर में लिखा हुआ है कि आप लोगों को रफ वर्क करने के लिए पेजेस मिलेंगे, और इसमें एक मेंशन है कि 6 पेज शुरू में मिलेंगे, वो भी अनटच्ड रहेंगे, आप जब जाएंगे तो आपके टेबल पर रखा हुआ मिलेगा, अगर आपको लगे तो आप और डिमांड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको मिलेगा। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है आपको कि जो भी रफ कॉपी आप लेंगे उसमें आपको अपना नाम और अपना रोल नंबर ज़रूर मेंशन करना है, और एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने के पहले चाहे वो आपको बोलें या ना बोलें, आपको अपना जो रफ वर्क है जितने भी पेजेस का होगा वो वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स होगी, उसमें आपको छोड़ना ही है। ये आप मत सोचिएगा कि उसने मुझसे मांगा नहीं तो मैं इसको पॉकेट में रख कर ले जाता हूँ, ऐसा गलती भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है कि इससे आपके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सके, क्योंकि जो आप एडमिट कार्ड ले जाए उसको भी ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप करना है, तो दोनों चीज़ें आपको ड्रॉप करनी है। जो एडमिट कार्ड आप ले जाएंगे वो वापस नहीं आएगा, जो रफ़ कॉपी वहाँ पे आप यूज़ करें या ना करें आपके टेबल पे रखा मिलेगा उसको भी ड्रॉप करना है। ठीक, ये दो चीज़ों को लेकर नहीं आना है, कोई भी ऐसी कोशिश मत करेगा कि उठा कर ले आए। ठीक, देखिए 18th नंबर में वही लिखा है कि एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स। ओके, CCTV और जैमर्स लगे हुए हैं, हमें कोई उससे मतलब नहीं, हम ईमानदार और ऑनेस्टली अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं।
उसके बाद कुछ एडवाइजरीज निकली हुई हैं कैंडिडेट्स के लिए कोविड-19 के रिगार्डिंग, तो कहा गया कि अनटच्ड काम ही सब कुछ रहेगा, हर जगह आपके लिए थर्मल स्कैनिंग होगी, दूर से ही सब आपका अटेंडेंस और ये सब लिया जाएगा, और आपके एडमिट कार्ड को भी वो टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस आपके एडमिट कार्ड में बार कोड दिया गया है, वो बार कोड को ही वो डायरेक्टली स्कैन करेंगे, मीन्स इन्विजिलेटर्स आपके एडमिट कार्ड को शायद ही टच करें, रेयर चांसेस हैं, अगर टच करते हैं तो ग्लव्स अपना पहनकर ही वो ऐसा करेंगे। सिक्स पॉइंट में लिखा हुआ है रफ सीट सिक्स पेजेस मिलेंगे, ज़रूरी नहीं सिक्स मिल जाएं, कहीं कहीं सेंटर्स में एक दो भी रखे मिलेंगे, आप डिमांड करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, जितने पेजेस आप डिमांड करेंगे उतने पेजेस आपको मिलते जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगी। देखिए फिफ्थ नंबर में लिखा है बार कोड रीडर विल बी यूज्ड, ओके। उसके बाद लैब, जैसे हर बार क्या होता था लैब नंबर पहले ही पता चल जाता था, डिस्प्ले हो जाता था, पर इस बार अब कोविड के तहत क्या करा जा रहा है कि लैब नंबर डिस्प्ले बाहर नहीं किया जाएगा, ताकि एक्स्ट्रा अननेसेसरी क्राउड ना हो। मतलब आप जब लाइन में लगे होंगे, जब आप इन्विजिलेटर के पास पहुँचेंगे एग्ज़ाम सेंटर में, तब वो डायरेक्टली आपको उसी समय आपको बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा आपका लैब है, कंप्यूटर किस कंप्यूटर पे आपको बैठना है। उसके बाद यहाँ सिक्स पॉइंट देख लीजिए, कॉन्टैक्ट फ्री फिस्किंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, वही बात मैंने बोली थी, वो आपको टच नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, कॉन्टैक्ट फ्री रहेगा, या फिर ग्लव्स वो लोग हमेशा यूज करेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्लीज ऑब्जर्व दैट नो वन विल बी डिनाइड परमिशन टू अपियर इन द एग्जामिनेशन अनलेस ही और सी वॉयलेट्स द कोविड-19 डायरेक्टिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने लिख दी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मीन्स इसके पहले ऊपर में एक चीज़ लिखी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, कि मान लीजिए आपको कोई ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं कि फीवर हो गया, कफ हो गया, तो आप ये मत घबराइएगा कि हमें एग्ज़ाम देने से बाहर किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे कैंडिडेट्स को, पर किसी भी कंडीशन में आपको नो वन विल बी डिनाइड टू परमिशन इन द परमिशन टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो एग्ज़ाम आपको देना ही रहेगा अनलेस आप कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। मतलब हम अगर आप इनकार करने कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा या पहनूंगा, तब प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर और ऐसी कोई जो गाइडलाइन है। अदरवाइज अगर सर्दी खांसी बुखार ऐसा कुछ है, आपको बराबर आपको मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, या फिर एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे तो जो मैंने आपको बतला दिए हैं, यही स्पेसिफिक थे, आप चाहें तो ये सब और एक बार देख सकते हैं। ये खास बातें थी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम से कूल माइंड होकर, हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो रिलैक्स के साथ आज और कल हमें आपको फुल एकदम हैप्पी स्लीप लेनी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेता, ऑल दी वेरी बेस्ट, और किसी भी प्रकार की किसी को टेंशन हो तो डायरेक्टली मुझसे मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।